हाई एवरी uh, मैं हरिंदर सिंह आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दोबारा मौजूद हूं उन सारी उम्मीदों को पूरा करने के लिए जिस उम्मीद से आपने इस वीडियो को क्लिक किया है देखने के लिए बन इंग्लिश अकेडमिक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंग्लिश के साथ साथ पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन पर काम करती है और हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम 21 डेज की सीरीज लेकर आने वाले उसी के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हैं आज बात करने वाले हैं टेंचेस के बारे में टेंचेस से पहले मैं चाहूंगा कि आप दोबारा एक बार समझें कि हमने कहाँ से स्टार्ट की थी क्लासेस को मैंने कहा था कि इंग्लिश हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बेसिस पर काम करती है आप हेल्पिंग वर्ब को सुनते हैं आपके दिमाग में कुछ मैसेजेस जाते हैं कि इस हेल्पिंग वर्ब के जरिए ये इमोशन या इस टाइम की बात की जा रही है जैसे मैंने कहा था कि आई वॉज इन मार्केट सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वॉज रोल प्ले कर रहा है यह बताने के लिए कि पास की बात की जा रही है आई विल मीट यू टूमारो उसके बाद एक सेंटेंस को तो सुनने के बाद आपके दिमाग में ये मैसेज जाता है कि आई विल मीट यू सो विल से पता लग रहा है कि भविष्य की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि टेंसेज हो या मॉडल्स हो या पैसे सभी में हेल्पिंग ग्रॉप के जरिए ही आप आसानी से समझ पाते हैं कि, कि किस सेंस में किस टाइम में और किस इमोशन को डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है हमने शुरुआत में किया सबसे पहले कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ट्वेंटी सिक्स उन अल्फाबेट्स को जोड़कर बनते हैं वर्ड्स और वर्ड्स को सही कॉम्बिनेशन में मतलब सही क्रम में रखा जाए तो सेंटेंस बनता है

एम आई इन क्लास राइट नाउ या कह सकते हैं वेयर आर यू वेयर इज ही इजी इन द्लास आपने गौर क्या होगा इंटरगेटिव में कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग आ रही है यह बताने के लिए के सेंटेंस इंटरगेटिव है हमने शुरुआत की थी मतलब एक ऐसे यूजन नहीं होता हुआ दिखाई देगा मतलब आपको गो कम टीच लर्न स्पीक इस तरह के सेंटेंसिस नहीं मिलेंगे आपको सेंटेंस होंगे कुछ बहुत सिंपल व साधारण से होंगे जिसके जरिए आप बोलेंगे कि मैं मार्केट में हूँ वो मेरे पिताजी हैं हम दोस्त हैं वो घर पर है वो बीमार है आप इन सेंटेंस के जरिए से देखने की कोशिश करेंगे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये लगेगा अंदाज़ा कि सब्जेक्ट के बारे में ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट कौन है क्या है कैसा है कहाँ है और उसकी विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है जैसे कि वो मेरा दोस्त है ही इज माई फ्रेंड वो घर पर है इज ऐट वो कॉलेज में है इज इन कॉलेज वो बाहर है ही इज आउटसाइड इसके जरिए हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है क्या है कहां है कैसा है इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है यह है प्रेजेंट की बात अगर हम पास की बात करते हैं तो वॉज वर्ड ये एक ब्रीफ आपको हम रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको यह थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हमने पहले क्या पढ़ा था तो एज एम मतलब जब आप सब्जेक्ट के बारे में बात करें सब्जेक्ट कौन है क्या है कैसा है कहां पर प्रेजेंट में वॉज वर्ड ठीक इन्हीं कंडीशन के लिए यूज होता है लेकिन पास की कंडीशन में मतलब ही इज इन द क्लास राइट नाउ वॉज इन द्लासाइट मतलब क्लास में था आई एम इन मार्केट फाइट नाउ आई वॉज इन मार्केट दूमेंट यू कॉल्ड मी आई वॉज इनलीम कंडीशन में यूज होते हैं ये बताने के लिए कि कौन है क्या है कैसा है कहा है क्या है सब्जेक्ट उनको बताने के लिए मतलब और और कह सकते विशेषताओं को बताने के लिए इजमार और वॉजवर् यूज होता है लेकिन प्रेजेंट में यूज होता है और वॉज वर्ड पास्ट में ऐसे ही आपको यूज़ बताया गया था दूसरा हैज़ और हैव का यूज़ जिसमें कि हैड भी इंट्रोड्यूस किया गया था हैज़ और मतलब जब आप सब्जेक्ट के पास कुछ बताते हैं आप बताते हैं कि सब्जेक्ट के पास कुछ है। अपने आस पास में चीज़ों को देखो और अगर वो आपके पास है आप प्रोजेस्ट करते हो तो आप उनके बारे में ऐसे बोल सकते हो मेरे पास जैसे कि मेरे आ, मेरी आँखें हैं आई हैव आइस मेरे पास चश्मा है आई हैव ग्लासेस मेरे पास नॉलेज है मेरे पास समझ है आई हैव अंडरस्टैंडिंग आई हैव नॉलेज ऐसे है आप बोले ही तो आप हैज़ बोलेंगे

And yesterday, I had no class. I have a class today. Aaj class hai. And I had no class yesterday. Kal meri koi class nahi thi. I have a sister. Meri ek behen hai. Right? I have a sister. Meri ek behen hai. That boy has no sister. Us ladke ki koi behen nahi hai. He had a girlfriend. Uski ek mahila mitra thi. He had. Hiya lagna, pass ke liye. He has present ke राइट right नॉट अब हम बात करने वाले हैं गाइस टेंसिस की टेंसिस मतलब समय के बारे में बताएंगे हम जब भी एक्शन के बारे में बताएंगे घटना किस टाइम पर घटी है कब घटेगी कब घटी थी कब घटी है कब घटती है घट रही है इनको बताने के लिए अंग्रेजी भाषा बोलती है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए एक समझ पैदा कीजिए कि वो किस टाइम की बात कर रहे हैं बजाय इसके कि वो सेंटेंस किस पे खत्म हो रहा है मैं तो दोबारा रिपीट करता हूँ कि टेंसिस ये बोलते हैं कि इस इस समझ को पैदा कीजिए कि वो किस समय की बात कर रहा है जो घटना घट गट रही है वो किस समय पर घट रही है कैसे घटती है घट रही है कहा कब घटेगी इस पर फोकस कीजिए बजाय इसके कि वो किस सेंटेंस के अंत में हिंदी में वो किस पे खत्म हो रहा है सेंटेंस जैसे कि आप समझे कि भाई मैं आपके सामने बैठा हूं तो उसका मतलब ये एट द मोमेंट की बात हो रही है तो इंग्लिश बोलती है इसको एक प्रेजेंट का पार्ट है कल मैं आपके सामने एक सेशन लेकर कर आऊँगा ये फ्यूचर की बात हो रही है पता है मैं कल भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था आपके लिए ये पास्ट की बात हो रही है लेकिन तीनों ही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हम सेंटेंस के एंड से ना समझ कर ये समझें कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है किस टाइम को डिनोट करने की कोशिश कर रहा है उसको समझ कर भी हम टेंसेस को सीख सकते हैं वजह इसके कि हम ता है ती है चुका चुकी रहा रही पे फोकस करें एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो टेंसेस तीन मतलब समझते हैं एक बार कि टेंसेस होते क्या हैं तो टेंसेस को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है क्योंकि टेंस मतलब समय मतलब काल तो उनको या तो समय वर्तमान होता है या भूत होता है या भविष्य होता, होता है उसी हिसाब से प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर उनको और बारिकी समझने के लिए अंग्रेजी भाषा ने उनको चार अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है जिसको बोलते हैं इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो इसी इसी तरह के प्रेजेंट के होते हैं चार उसी हिसाब से ये पास्ट के भी चार होते हैं उसी हिसाब से फ्यूचर के भी चार होते हैं जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ये तीनों ही प्रेजेंट है लेकिन तीनों में अलग अलग समय को निर्धारित करने के लिए हमें अलग अलग समय को डिफाइन करने के लिए इन तीन चारों में अलग अलग हेल्पिंग uh, वर्ब्स का यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब्स के जरिए ही आप अंदाजा लगाएंगे कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है बिल्कुल सही कि आप जब हेल्पिंग ग्रुप को सुनेंगे तो आपके दिमाग में मैसेज जाएगा कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है मैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर आपके सामने इंग्लिश में बोलता हूँ अंदाजा लगा पाएंगे आसानी से आई वेंट टू मार्केट यस टे आई वेंट टू मार्केट ये तो आपके ब्रेन में एक मैसेज गया कि सेकेंड फॉर्म यूज की गई है आई विल मीट यू आपके ब्रेन में विल गया आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू आपके ब्रेन में एह गया इसका मतलब आप जब हेल्पिंग्स को सुनते हैं तो आपका ध्यान समय की तरफ आकर्षित करता है मतलब आपका ध्यान जो है वो सीधा सीधा समय की तरफ जाता है कि किस समय में क्या बात कहने की कोशिश की जा रही है वैसे ही प्रेजेंट प्रेजेंटिट में होता है प्रेजेंट के हिसाब से अंग्रेजी भाषा कहती है कि जब आपको अपने रेगुलर इंसिडेंट्स की बात करनी हो रेगुलर इंसिडेंट से मतलब कि जो चीजें आपके जीवन में रोजाना घटती हूँ अक्सर घटती रहती हूँ उनका कालचक्र चलता रहता हो आपका जैसे कि रोज सुबह उठना आपका कॉलेज जाना आपका पढ़ाई करना आपका खाना सूर्य सूर्य का ईस्ट से ऊपर वेस्ट की तरफ जाना ये रेगुलर घटनाएं घटती है जीवन काल में तो जब आप ऐसी कोई बात कहें जो आप हमेशा से करते आए हैं करते हैं उनको बोलने के लिए इंग्लिश बोलती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए सिर्फ सिर्फ सब्जेक्ट के सी ठीक मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं सब्जेक्ट के ठीक बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए आपको कहने का मकसद ये होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो रेगुलर है जैसे कि मैं दिवाली सेलिब्रेट करता हूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ मैं पढ़ाई करता हूँ मैं कॉलेज जाता हूँ मेरे पिताजी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं Uh, सूरज ईस्ट से उगता है और वेस्ट में अस्त होता है हम सभी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं वर इंग्लिश अकेडमी रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर दी है और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ मैं रेगुलरली वीडियोज़ बनाता हूँ हम सभी यहाँ पर रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आते हैं देश में सिपाही बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं देश के प्रधानमंत्री हम सभी के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहे नहीं है करते हैं इसके ज़रिए आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमेशा से होता है आपके घर में आपकी ममा रेगुलरली आपके लिए उठती है आपके आपके फ्रेंड्स आपका ख्याल रखते हैं आपके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं चाहे वो हफ्ते में होता हो एक बार चाहे वो साल में एक बार होता हो लेकिन वो होता रहता है अगर शॉर्ट पीरियड में देखें तो जैसे आप सांस लेते हो हर सेकेंड लेते हो हर घंटे में दो घंटे में पानी पीते हो तो आप पीते हो हर हफ्ते मैं संडे को क्लास लेने के लिए जाता हो हर हफ्ते होता है दिवाली साल में सेलिब्रेट करता हूँ तो हर साल एक बार आप करते हो तो आप जब बोलते हो कि मैं ऐसा करता हूँ उसके जरिए आप ये बताना चाहते होते हो तो लोगों को कि आप कुछ ऐसा जो रेगुलरली करते रहते हैं रेगुलर से मतलब रोजाना से नहीं हो सकता है वो उस घटनाक्रम से है जिसमें वो रखा जा रहा है कि ऐसा रेगुलरली किया जाता है चाहे वो घंटे का हो मिनट का हो वीक्स का हो ईयर्स का हो अब मैं कहूँ इंग्लिश में बोलते कैसे है? अंग्रेजी भाषा बोलती है सिंपली कुछ नहीं कर रहा है सब्जेक्ट के बाद वर्क की फर्स्ट रोड लगाओ मीनिंग क्लियर हो जाता है बस एक कंडीशन के साथ में कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है तो सिंगुलर की जब बात करें जैसे कि अगर आप किसी एक मेल की बात करें ही की बात करें शी की बात करें इट की बात करें किसी पर्सन की बात करें तो इंग्लिश बोलते हैं कि वर्ब के साथ में एस या ए एस लगा दीजिएगा बस और बाकी जो आई वी यू दे दोज है प्लूरल कैटेगरीज में आप इनके साथ कुछ मत चेंज कीजिएगा वर्ब की, की फर्स्ट फॉर्म लगाइए सेंटेंस कंप्लीट है जैसे कि मैं बोलता आई स्पीक प्लीज अपने ब्रेन को ट्रेन मत करने दीजिएगा कि वो ताती तैयार है इसलिए आप ये बात बोल रहे हो आप इस बात को समझो कि ये क्यों ऐसा हो रहा है मैं बोलता हूं से मतलब क्या समझ आ रहा है आपको कि रेगुलरली आप करते हुए काम राइट right? मैं इंग्लिश में बोलता हूं बोल रहा हूं एक अलग इमोशन लेके जा रहा है मैं बोलता हूं एक अलग इमोशन है अंग्रेजी में आई स्पीक और आई एम स्पीकिंग में भी इसी तरह का डिफरेंस है तो जब आप सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो तो सामने वाला इस बात को इस बात से समझता है कि वो ऐसा काम रेगुलरली करता है मन के चलो कि की स्वीट में हम पूछते हैं किसी से भाई व्हाट डू यू डू वो कहता तो उसने बोला, के बाद वो की है फर्स्ट दिमाग भी यही मैसेज रेगुलरली करता है प्लीज अपने ब्रेन को ताते के लिए मत पुश कीजिएगा सीधा समझिए जो काम आप रेगुलर करते हैं आपका मोबाइल फोन चलाना तो आई ऑपरेट मोबाइल फोन आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं आई यूज इंस्टाग्राम मैं आपसे रोज बात करता हूँ आई टॉक टू यू रेगुलरली मैं इंग्लिश सीखता हूं आई लर्न इंग्लिश वजह से सीखोगे तो होगा क्या कि आपको सेंटेंस तो समझ आ रहा है लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका ब्रेन पहले हिंदी में सोचने के लिए मजबूर करेगा उस सेंटेंस को फिर उसको ट्रांसलेशन की तरफ लेके जाएगा बट अगर आप इस इमोशन को समझते हैं कि जो काम रेगुलर होता हो तो जो मैं जीवन में रोजाना करता हुआ आ रहा हूं या देश में जो रोजाना होता हुआ आ रहा है हॉस्पिटल्स में जो हमेशा से होता है पुलिस पुलिस स्टेशन में जो चीज़ें पुलिस करती है रेगुलरली या देश में जो होता हुआ है उसको बोलने के लिए मुझे सिर्फ वर्त की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है मुझे तातीते नहीं सोचना है जैसे कि भाई मैं यहाँ अरेगुलर आता हूँ आई कम हेयर रेगुलरली मैं पढ़ाता हूँ आई टीच मैं बोलता हूँ आई स्पीक मैं नाचता हूँ आई डांस मैं खेलता हूँ आई प्ले मैं सुनता हूँ आई लिसन इसके साथ साथ आप सेंटेंस बड़े बनाते जाइए आई लिसन टू म्यूजिक एवरी सिंगल डे आई टॉक इन इंग्लिश टू इम्प्रूव माई सेल्फ गो टू हॉस्पिटल टू गेट माइ से चेक आप देख रहे हैं कि रेगुलरली आप जो करते हैं उनके लिए अंग्रेजी बोल रहे सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कीजिए ब्रेन को ट्रेंड कीजिए ताती ते आ रहा है इसलिए प्रेजेंट डेफिनेट नहीं है इसमें रेगुलर घटना की बात की जा रही है रोजाना की बात की जा रही है एक, एक सामान्य तौर पर सच है जो घटना रेगुलर घटती है उसको बताने के लिए प्रेजेंट डेफिनेट होता है जिसमें कि सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और अगर सिंगुलर होता है तो वर्क के साथ हम एस और ई एस का चेंज करते हैं वो मार्केट जाता है वो वो सुनता है, he listens to me. वो है सेलिब्रेट करता होली दिवाली वो रूम से रेगुलर मिलने आता है वो पर्सन की बात है अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं आप प्लीज भरोसा रखें इस पैटर्न पर जो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है किस पैटर्न के जरिए ना आपका ब्रेन ट्रांसलेशन से बाहर निकल कर नेचुरली समझेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनट इंट्रोड्यूस किया क्यों होगा प्रेजेंट इंडेफेट का मकसद क्या है प्रेजेंट इंडेफेट के जरिए हम किस इमोशन को डिलीवर करते हैं और जब आपको ये समझ आ जाएगा धीरे धीरे करके आपका ब्रेन ट्रांसलेशन से हटकर इमोशंस को समझेगा उसके जरिए आप डिलीवर कर पाएंगे हिंदी भी आप अपने इमोशंस को समझते हुए डिलीवर करते हैं आप हिंदी के लिए किसी और दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं तो जब भी आपका मन करे कुछ रेगुलर रेगुलर इंसिडेंट्स के बारे में बताने में जो आप रेगुलरली करते हैं देश में होता है रेगुलरली हफ्ते में करते हो साल में करते हो अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलिए वक्त फर्स्ट बुक बोलिए बस एक कंडीशन ध्यान रखना कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस सी एस का यूज कीजिए इज आर ओके आई रीड इंग्लिश बुक रेगुलरली आई रीड ही रीड्स इंग्लिश बुक रेगुलरली हम बात करते हैं आपस में ना वी टॉक Uh, मैं देश से बहुत प्रेम करता हूं आई लव माई कंट्री अ लॉट राइट आई लव माई कंट्री अ लॉट अगर वो अपने देश से बहुत प्रेम करता है ही ही लव्स 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 हिज कंट्री अ लॉट शी पर्सन लेकिन यू वी दे दीज लव इज ओके ये है प्रेजेंट डेफिनेट की ताकत अब आप जब भी बाहर निकलें आप देखते हो कुछ रेगुलर होता है जैसे कि अंकल रोज दुकान खोलते हैं सो so, अंकल ओपन द शॉप रेगुलर देखा आपने ओपन उसमें लगा दे क्योंकि अंकल थे मैं दुकान रेगुलर खोलता हूं आई ओपन माई शॉप रेगुलर कितना आसान है ना आप दूध लेने ले जाते हो मॉर्निंग में बाहर अगर आप कहते हो सो आई गो टू टेक मिल्क आई गो टू टेक मिल्क क्या कर हमने वबकी पता है ठीक बात प्रेजेंट एफ आती है बाकी जगह पर कुछ ना कुछ हेल्पिंग या सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के चेंजेस मिलेंगे आपको

आई गेट फ्रेश बोल दिया आई गो टू आई लर्न आई प्रैक्टिस इन सभी का मकसद है कुछ आप रेगुलर करते हैं अपने जीवन उसके लिए प्रेजेंट इन सो so ये है प्रेजेंट इंड का सिंपल यूज जिसके जरिए आप सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक कंडीशन जब सब सिंगुलर हो तो ऐसे के साथ ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं राइट गैस नॉट अब हम सीखेंगे Present indefinite ka negative sentence.